यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो टेट्रापोड्स हैं ये लोकोमोशन के लिए ज़्यादा किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अपेंडिजेस पे, बोन्स पे, इनके स्केलेटन में मॉडिफिकेशन हैं, तो ये जो है अपनी बॉडी वॉल पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से इनका जो बॉडी वॉल मस्कुलेचर है वो रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और फिशेज में जबकि इनके अपेंडिजेस बाकी तो नहीं होती जैसे कि टेट्रापोड्स में है, तो उनकी जो बॉडी वॉल है वो फिशेज की प्रेजेंट होती है और इनमें रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ लोकोमोशन। तो हम एलिमेंडर्स में कैसी होती है, अनस्पेशलाइज फॉर्म ऑफ लोकोमोशन है, यानी इनकी कैसी लोकोमोशन होती है कि जैसे फिशेज में अंडुलेटरी वेव्स होती है ना, फिशेज यानी जैसे फिशेज मूव करती हैं वैसे ये मूव करते हैं सेलेमेंडर्स, इनकी अनस्पेशलाइज फॉर्म ऑफ लोकोमोशन है। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल सेलेमेंडर्स हैं, ठीक है, ये लिम्स के थ्रू भी मूव करते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ लिम्स एंड बॉडी मूवमेंट्स। अब लिम्स के थ्रू कैसे, यानी इनके जो अपेंडिजेस हैं ना, ठीक है, ये ऑल्टरनेट मूवमेंट शो करती हैं। ऑल्टरनेट मूवमेंट का मतलब क्या है कि अपेंडिजेस के साथ अब जाहिर सी बात है मसल्स भी मूव करते हैं, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इनकी ऑल्टरनेट मूवमेंट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट मूवमेंट शो करते हैं और ये बेंड करते हैं बॉडी को इनटू अ कर्व, ठीक है, और कर्व जो है वो मूव करती है लिम्ब को फॉरवर्ड। ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी कर्व में बेंड हो जाती है और कर्व की वजह से इनका जो है वो लिम्ब मूव करता है फॉरवर्ड। उसके बाद सेकंड जो मोड ऑफ लोकोमोशन सिसिलियंस में, सिसिलियंस जो है ये अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट शो करते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे होते हैं, ठीक है, और इस केस में इनके जो एडजेसेंट बॉडी पार्ट्स हैं ये पुल भी कर सकते हैं फॉरवर्ड एंड पुश भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। लिम्स इनकी लॉन्गर होती हैं और इनका जो पेल्विक गर्डल होता है ना वो भी मॉडिफाइड होता है जंपिंग के लिए। पेक्टोरल गर्डल ऊपर वाला होता है, पेल्विक गर्डल नीचे वाला, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब पेल्विक गर्डल में हमने तीन बोन्स भी, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस भी पढ़ी। आप कहते हैं जो पेल्विक की बोन है पेल्विस की, ठीक है, पेल्विक गर्डल की जो बोन है डॉर्सल वो कौन सी है, इलियम। इलियम जो है वो डॉर्सल बोन है, ठीक है, ये एक्सटेंड करती है, लंबी हो जाती है एंटीरियरली और ये एक्सटेंड हो के जाके अटैच हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। एक दफ़ा फिर ध्यान से सुन लें कि पेल्विक रीजन जो है, पेल्विक गर्डल, उसकी तीन बोन्स हैं जिसमें से उसकी जो डोर्सल बोन है इलियम वो एंटीरियरली एक्सटेंड होके वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो जाती है और इनका यूरोस्टाइल, ठीक है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वर्टिब्रास फ्यूज होके यूरोस्टाइल बनाते हैं, वो एक्सटेंड होते हैं पोस्टीरियरली, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सटेंड होते हैं, लंबे हो जाते हैं पोस्टीरियरली और किसके साथ जाके अटैच होते हैं, पेल्विस रीजन के साथ, पेल्विक रीजन के साथ, ठीक है, या पेल्विस के साथ। तो अब जो डॉर्सल बोन है वो ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के साथ और यूरोस्टाइल नीचे पेल्विक के साथ, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडिफिकेशन है ऑफ एन्यूरेंस, ये इन्होंने एन्यूरेंस का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको स्टिफन कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो है जो ऊपर हमने इनकी मॉडिफिकेशंस पढ़ी ये क्या करती हैं, स्टिफन कर देती हैं पोस्टीरियर हाफ ऑफ एन्यूरेंस को, जिसकी वजह से लॉन्गर जो हाइंड लिम्स हैं और पावरफुल मसल्स हैं वो एक उनके लिए एक एफिशिएंट लीवर सिस्टम बन गया, एक सपोर्ट सिस्टम, एक अटैचमेंट सिस्टम बन गया जिसको वो जंपिंग के लिए एफिशिएंटली यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि इनका जो पेक्टोरल गर्डल है वो अटैच होता है स्कल के साथ और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड मसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ये इनमें जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना ये यूज्ड होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए जब ये लैंड पे मूव करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वाटर में वो चीज़ नहीं होती लेकिन जब लैंड पे आना है तो शॉक वगैरह, तो शॉक एब्जॉर्बर्स के लिए इनके इनके पास जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं।